मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज़ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन से आपको जो है रूबरू कराने जा रहे हैं। और इस एप्लीकेशन को वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें रेडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि अपने मोबाइल फ़ोन्स में या जिनके पास अलग से रेडियो फ़ोन्स हैं, उन्हें करना क्या है, उन्हें प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ लिखना है उन्हें रेडियो गार्डन। ये है दोस्तों, एक पूरे ग्लोबली उसको मैनेज करता है, मेरे में इंस्टॉल है। मैं आपको उसकी जानकारी पहले दिए देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो है कितनी अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है, 4.7 स्टार की रेटिंग इसे मिली हुई है। 5 मिलियन से ज़्यादा इसके जो है हम कह सकते हैं इसको अभी तक इंस्टॉल किए हैं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसे ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको एक धरती की तरह ये पूरा एक ग्लोब दिख रहा है। ये ग्लोब किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखिए, पहले हम इसको जो है जूम आउट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा अर्थ है, ये पूरी धरती है। ये आप सामने इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। इधर आने के बाद आप अफ्रीका और ये जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आप देख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको पहले भारत में लेकर चलता हूँ। अब दोस्तों, जितने भी ये आपको ये जो है हरे जो बिंदु दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन डॉट आप देख पा रहे हैं, ये सभी अपने अपने शहर की रेडियो स्टेशन हैं। एक्चुअली जो रेडियो स्टेशन जो आप सर्च करते हैं, जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि आप नीचे लिखा आ रहा है रेडियो मन 90.8 FM रेडियो, ये विदिशा का रेडियो है। आप इस तरीके से यहाँ आएंगे, ये देखिए जैसे ही सर्कल के अंदर आ रहा है, ये उज्जैन का जो है रेडियो है। आप इसके पास में एक देख सकते हैं, ये जो है यहाँ, ये देखिए, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। ये ऐसे ही हम ऊपर चलते हैं दिल्ली के आसपास, ये देखिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवाड़ी, रोहतक, ये जितने भी आप देख सकते हैं, पटियाला। आप यहाँ महाराष्ट्र में आएंगे, ये देखिए गुजरात में बड़ोदरा, और ये नासिक, ये अलांदी, ये पुणे, और ये जो है दोस्तों अलग अलग आप देख सकते हैं, ये इस्लामपुर। ये सभी जो है रेडियो स्टेशंस हैं। आप जितने भी रेडियो स्टेशन देखना चाहते हैं, ये पूरे भारत में जितने भी रजिस्टर्ड जो रेडियो स्टेशंस हैं वो यहाँ पर हैं। मैं अभी आपको जो रेडियो स्टेशंस अभी वर्क कर रहे होंगे उनका म्यूज़िक और साउंड दोनों सुनवाऊँगा आपको, ताकि आपको इस एप्लीकेशन की क्वालिटी भी पता चले। उससे पहले आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, एक्सप्लोर हम कर ही रहे हैं। इसके बाद आप फेवरेट बना सकते हैं अपने, आप सर्च कर सकते हैं, या सर्च करने के बाद जो है आप कंट्री और शहर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेडियो जो है उसका नाम पता है, तो आप सेटिंग्स पर आने के बाद देखिए, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसे परचेज़ करने से होगा क्या, बीच बीच में जो 5 सेकंड के ऐड आते हैं, जो गूगल बेस्ड ऐड होते हैं, वो ऐड आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद आप ये रेडियो गार्डन देख सकते हैं। आप कोई रेडियो स्टेशन खुद भी चलाते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर ऑनलाइन जो है सबमिट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसीज दोनों जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर ये जो एक लॉक बना हुआ है राइट साइड में, ये लॉक काम क्या करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप ये एक स्टेशन पर हैं, ये स्टेशन है जैसे कि ये उज्जैन का स्टेशन है। अब मैं यहाँ पर इसको लॉक कर देता हूँ, ये देखिए लॉक कर दिया है, स्टेशन लॉक्ड हो गई है। इससे क्या होगा कि अब आप इस ग्लोब में कहीं भी जाएंगे, तो जो स्टेशन आपने लॉक की है उसी स्टेशन का गाना बजता रहेगा, चाहे आप कोई दूसरी स्टेशन सर्च करते रहें, और आपका जो है गाना बिल्कुल बंद नहीं होगा, बीच बीच में अलग सर्चिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो आप उसके ऊपर ऑप्शन देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है लोकेशन का ऑप्शन। आप अपनी लोकेशन के आसपास, आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोकेशन के माध्यम से भी आपके आसपास के जो है रेडियो सेंटर्स को आप देख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैं जिस माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसे इजेक्ट करूँगा। इजेक्ट करने के बाद आपके जो साउंड सुनाई देगा, आप देख सकते हैं कौन सी स्टेशन किस तरीके से वर्क करती है। चलिए सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रैक, यीशु तेरा, बोल फादर जिमी के, संगीत फादर सावियो का, स्वर अनूप शंकर का, और एल्बम है यीशु मुक्तिदाता।
तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये जो है रेडियो स्टेशंस काम कर रहे थे। जिस रेडियो स्टेशन पर जो भी चल रहा है एट ए टाइम वो आपको सुनाई देगा। इसकी म्यूज़िक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, सिग्नल्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी फ़ीचर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों रेडियो सुनने वालों को आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आपके भी ऐसे दोस्त हैं जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर कर ये और ज़्यादा ईजी हो गया है। आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।